स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म और मानवता से प्रेम करने वाले देश और विश्ववासियों, कभी किशोरावस्था में मेरे विचारों को सुनकर के एक वामपंथी ने मुझे कहा, क्या वामपंथी प्रतीत होते हैं। मैंने उन्हें कहा, मैं वामपंथी नहीं हूं, मैं वैदिक पंथी हूं, जहां धनी और निर्धन, बलि और निर्बल, ज्ञानी और अज्ञानी, सबको साथ लेकर के चला जाता है। धनी को त्याग की प्रेरणा दी जाती है, करुणा की प्रेरणा दी जाती है, और निर्धन को परिश्रम करने की प्रेरणा दी जाती है। वर संघर्ष की प्रेरणा किसी को नहीं दी जाती। इसी विचार से एक कविता लिखी, फिर 18 साल पहले धनियों को नाम एक संदेश, एक कविता लिखी, वो मैं संसार के समस्त धनी वर्ग के लिए प्रस्तुत करता हूं। ऊंचे ऊंचे उठो पर रहे ध्यान इतना, नीचे पड़ा कोई रह न जाए। ऊंचे उठो पर रहे ध्यान इतना, नीचे पड़ा कोई रह न जाए। आज आगे बढ़ने की बात की जाती है, सब आगे बढ़े। उन्नति अधूरी जहां विश्व भर में, उन्नति अधूरी जहां विश्व भर में, करोड़ों ही द्वारों पे होता रुदन है। आते हैं सुखी क्षुधा से है व्याकुल, लज्जा को ढकने न तन पर वसन है। धरती बिछोना वो अंबर को ओढ़े, मरने पे जिनको कफन मिल न पाए। ऊंचे उठो पर रहे ध्यान इतना, नीचे पड़ा कोई रह न जाए। जब मैं किसी महानगर में जाता तो दो तरह का संसार देखता, एक तरफ भव्य भवन है, दूसरी तरफ झुग्गी झोंपड़ियां हैं। आप देखिए झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले कैसे जीते हैं, वे माताएं कैसे रहती हैं, वे बच्चे कैसे रहते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं। ये विचार मेरा बचपन से चलता था, अर्थात जब से समझदार हुआ। क्या सोचा है तुमने वे कैसे हैं जीते, कहाँ जन्म लेते कहाँ हो मरण है। कहाँ जन्म लेते कहाँ हो मरण है, सर्दी की रातें वे कैसे बिताते, वर्षा में उनको कहाँ पर शरण है। आँखों से आंसू उनकी दशा पर, आँखों से आंसू उनकी दशा पर, क्या तुमने कभी बैठ कर दो बहाए। ऊंचे उठो पर रहे ध्यान इतना, नीचे पड़ा कोई रह न जाए। ये दृश्य जो कविता में आप सबने देखा होगा, और तुम्हारे तो कुत्ते वसन दूध पाते, तुम्हारे तो कुत्ते वसन दूध पाते, उधर देखिए शिशु मचाते रुदन है। उधर देखिए शिशु मचाते रुदन है,
दुखिया वो माता निज आंचल समेटे करुणा के प्यासे सजल वे नयन है। कचरे के ढेरों में फिरती अभागिन कचरे के ढेरों में बैठी अभागिन हम देखते हैं पर ना लजाए ऊंचे उठो पर रहे ध्यान इतना नीचे पड़ा कोई रह न जाए। आर्यो उठो अपने हृदय टटोलो भाइयों उठो अपने हृदय टटोलो सभी हो सुखी मिल ये नारे लगाते हम धार्मिक सत्संगों में नारे लगाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सब भी सुखी हो सभी का कल्याण हो कोई दुखी न हो प्राणियों में सद्भावना हो उसके लिए करते क्या है। हम पूजा पाठ करते हैं कोई नमाज रोजा रखते हैं कोई प्रार्थनाएं करते हैं यज्ञ हवन करते हैं परंतु वे जिनका जीवन अभिशाप बन चुका है जिनकी आंतें सूख गई भूख से बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं बीमारियों से मर रहे हैं उनके लिए हम क्या हमारे पास कोई योजना है क्या केवल नारे लगा के हम सबको सुखी करेंगे। इसलिए लिखा भाइयों उठो अपने हृदय टटोलो सभी हो सुखी मिल ये नारे लगाते यज्ञादि पूजा तो करते हो प्रतिदिन यज्ञादि पूजा तो करते हो प्रतिदिन मगर क्या दुखी को गले तुम लगाते ये कैसी अहिंसा न दीनों से प्रीति ये कैसी अहिंसा न दीनों से प्रीति ये कैसी है पूजा न दीनों से प्रीति अरे साधना प्रभु प्रजा दुख उठाए अरे साधना प्रभु प्रजा दुख उठाए ऊंचे उठो पर रहे ध्यान इतना नीचे पड़ा कोई रह न जाए ऊंचे उठो पर रहे ध्यान इतना नीचे पड़ा कोई रह न जाए। इन भावों को सुनकर अगर कोई धनी उद्योगपति व्यापारी अपने साथ काम कर रहे कर्मचारियों को उचित वेतन देना प्रारंभ कर दे आपके आसपास मैं नहीं कहता कि किसी को भी धन व्यर्थ में बांटा जाए बिना परिश्रम के किसी को नहीं देना चाहिए लेकिन हमारे मन में हमारे मस्तिष्क में योजना होनी चाहिए जिससे सभी सुखी रह सके। हम निर्धनों का कैसे सहयोग कर सकते हैं कैसे उनको स्वावलंबी बना सकते हैं उनके लिए क्या करवा सकते हैं चाहे वो दुर्भाग्य से नहीं है लेकिन यदि वो भूखा है तो उसे भोजन अवश्य देने का प्रयास करना चाहिए नंगा से कपड़े देने का प्रयास करना चाहिए बीमार है उसको दवाई देने का प्रयास करना चाहिए उनके पढ़ने के लिए कुछ सोचना चाहिए। अगर सभी धनी वर्ग ऐसा सोचेगा तो संसार से गरीबी मिट जाएगी। दुर्भाग्य से आज न किसी सरकारों के पास कोई योजना है सबको ऋण देने की योजना है सबको भिखारी बनाने की योजना है कर्जदार बनाने की योजना ये ठीक नहीं। उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ें उनकी कुरीतियों को मिटाएं उनके अंदर दुर्व्यसनों से निकालें उनका सुधार करें धीरे धीरे उनको परिश्रमी बनाएं पुरुषार्थी बनाएं जिससे वे आगे बढ़ें और संपूर्ण समाज सुखी रहे। ओम शम।